ये स्वैग है यार, विक्रम सर का एक स्वैग है। हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट के ऊपर रिएक्शन। विक्रम मूवी को हम अभी तक देख चुके हैं, जहाँ पे विजय सेतुपति की एंट्री होती है, लास्ट सीन जो हमने देखा, जिसके अंदर यार उनकी इतनी मास एंट्री करके दिखाई है, और फहद फासिल सर सारा कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो विक्रम सर की डेथ हुई थी और विक्रम सर ने क्या क्या किया है अपनी लाइफ के अंदर, तो वो सारी चीज फहद फासिल पता करेंगे इंटेरोगेशन के टाइम पे। और वहाँ पे हमारे को विक्रम सर के जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से तो चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेजेस काफी होगा ना? सर 30-35 किलो क्या सीमेंट का बोरा? एंड शी इज 25, वेरी एक्रोबैटिक। एक्चुअली आपको कैसी लड़की चाहिए? इन्हें जानते हैं? ओह, अच्छी तरह से। ये फ्रीक्वेंटली आते हैं? ये यहाँ आके जिस लड़की से मिलते थे, मुझे वही लड़की चाहिए मैम। ओह, दिखा रहे कि जो विक्रम सर की चॉइस है वो मेरी चॉइस है। लड़की कह रही बैठ आइए। सिर्फ 2 घंटे हैं, तो शुरू करें। ही ओके, नो प्रॉब्लम। वेट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं रहने दो। क्या इन्हें जानते हो? अरे रे, इसे जानती हूँ मैं, रेगुलर कस्टमर, इसी की वजह से कार खरीद पाई। सुना मर गया बेचारा। एक मिनट बोलो। अच्छा सुनो, तुम मुझे पिक करने आ रहे हो ना? ए, रुक 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 रुक, अपनी शादी 7:30 बजे है ना, तुम जाओ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। 4 घंटे भी नहीं बचे, मजाक मत करो। 2 घंटे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तुम निकलो, बाय। जो करना है करो। 7:30 को शादी और 3:30 बजे इधर, बाय तेरे जाने। इसके बारे में बोल। ओह, इसके साथ जो किया एग्जैक्ट तेरे साथ करना है या कुछ नया ट्राई करें? इसके जैसा नहीं, मुझे वैसा ही करना है। आई वांट टू से ओके। देख क्या किया था, हैंडकफ। हैंडकफ लेके आए थे विक्रम सर? ओ, ऐसे करके आए थे। अच्छा रेडी ना, तू करेगा या मैं करूं? चल मैं पहले करती हूँ। आह 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 ओह आह आह। ओके 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 ओके, कूल, ओके। ऐसे चिल्लाती थी मैं और वो खिड़की से चला जाता। विक्रम सर सेम ऐसा करते थे। ओके, डायरेक्शन इतनी मस्त है, डायरेक्शन इतनी ज्यादा सही जा रही है मूवी की, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। भाई बाहर खड़े तो होते थे, करते कहते वहां खड़े होते। ओह चेंज, हाय। आइए स्वैग है यार, विक्रम सर का एक स्वैग है। हेलो चीफ, जिस सुरेश की हम इंक्वायरी कर रहे थे उसने सुसाइड कर लिया। कमिंग। सुरेश की इंक्वायरी कर रहे थे उसने सुसाइड कर लिया। हार्बर से पकड़ कर जिसकी इंक्वायरी की थी वो यही है, सुरेश नाग। भाई कैसे चला दिया उसको। मुझे पकड़ के ले गए थे, मुझे इंजेक्शन लगाया था सर, फिर मैं वापस कैसे आया मुझे भी नहीं पता चला सर।
पीछे जाओ, चलाओ। अगर उसने जबरदस्ती तुझे उठाया है तो मेरे बारे में उसे सब पता होगा, लेकिन नशे में तूने क्या बका, ना तुझे पता ना मुझे पता। तेरे पास जानकारी है इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ा। बता मैं क्या करूं? ये कोई कागज पर लिख के एग्रीमेंट करने वाला बिजनेस नहीं। अगर परेशानी हो तो कोर्ट केस कर देना। ये धंधा भरोसे पे चलता है। तेरे पास बोलने की वजह सुनने के लिए मैं हूं, पर ऊपर जो बैठा है उसके पास कोई वजह नहीं चलेगी। तेरे परिवार के चार फैमिली पूरा मना कर रही है। मेरे कुटुंब के 67 लोग सबको चला देगा। इज रियली डेंजरस। भाई बंदा इंटरोगेशन में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसको अपनी शादी का ही भूल गया। ऑफिस आ गए अपने हैं की वाइफ आई है। ओ फेरिशी, ओके मैं सॉरी नहीं कहना चाहता। प्रोबेबली ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, बट मैं अपने काम के बारे में बताऊं तो शायद समझ पाओ। मैं बस मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हारे काम के बारे में पूछूंगी उसी दिन तुम्हारे लाइफ से चली जाऊंगी। मैं नहीं जानना चाहती, आज हमारी शादी होनी थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये दिन जितना मेरे लिए खास है उतना तुम्हारे लिए भी है, पर उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं आ पाए तो शायद बहुत जरूरी काम होगा। वो क्या है कि पीजी की लड़कियां तुम्हें इमेजिनरी कैरेक्टर समझ रही हैं। मैं उसे तोड़ना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। चलो पीजी बंद हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाओ, ठीक है? बाय। क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? रो मत प्लीज। लिसन, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के बगैर बिना किसी धूमधाम और शोर शराबे के सिर्फ हम दोनों शादी कर ले तो नहीं चलेगा? तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? तुम जवाब दो। चलेगा। आओ, बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड है यार। इसी वक्त? इसी वक्त। हे, पता भी है कि अभी क्या टाइम हो रहा है? सच बोल रहे हो? ए, मौत पे भी चार लोग आते हैं, हम शादी कर रहे हैं, कोई एक भी नहीं आ सकता। आंखें बंद करो, बंद करो। माय वाइफ। यार अरे वाह यार, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। ओ और वो मेरी इसी मॉल के बाहर ब्रेड ऑमलेट की दुकान है। झूठा। बताओ
तो गाइस ये था इनका शादी का सीन, तो हमारे को शादी भी देखने को मिले। तो वो वाला सीन जो था ना, वो लड़की के पास जाते हैं और मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, विक्रम सर उधर वहां पे जाते थे उस लड़की के पास में, बट लेकिन यार वो कुछ करते भी नहीं है एंड वो बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। बट लेकिन इस मूवी का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट यही लग रहा है, मतलब सारे सीन में मेरे को वो सीन देखने को मिलना ही है कि मतलब विक्रम सर हमारे को जिंदा नहीं दिखाई दिए, जो उनकी पास्ट की स्टोरी थी वो हमारे को ऐसे दिखा रहे हैं इंटेरोगेशन करते हुए, और जो फासिल फील कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि फासिल इंटेरोगेशन करते रहे हैं, बट साथ साथ ना वो एक एक पॉइंट फील कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा सीन हुआ था एंड ये सारे लोग मतलब इंक्वायरी भी करने वाले थे जिस बंदे से, तो यार उस बंदे को विजय सेतुपति आके मार देते हैं, तो ये वहां पे भी फील कर लेते कि भाई ये बंदा ऐसे आया था विजय सेतुपति, उसने ऐसे ऐसे करके जला दिया उसको। एंड मतलब विजय सेतुपति तो काफी डेंजरस कैरेक्टर लग रहा है मेरे को इस मूवी का, जो उसका बोलने का भी है, बात करने का भी है, वो तो काफी ज्यादा सही जा रहा है, मतलब जो उनके डायलॉग डिलीवरी आ रही है वो मेरे को ठीक लगती है। बाकी इसमें तो काफी सारे सीन्स बढ़िया लग रहे थे, मतलब कि यार वो लड़की के पास जाते हैं, लड़की वहां पे चिल्ला रही है और ये मजे से बाहर खड़े है, तो वैसे ही विक्रम सर करते हैं। एंड एक हिस्से में गौर ऐसी आती है कि जहाँ पे अपनी शादी भूल जाते हैं अपने काम के चक्कर में, इन्होंने ऑफिस के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया, वहां पे इनसे शादी करी एंड इनकी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा मेरे को अच्छी लग रही है कि यार वो हर एक टाइम उनको समझती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैंने देखा कि यार वो लड़ाई नहीं करती, मतलब नाराज नहीं होती उसके लिए भी। एंड उनकी गर्लफ्रेंड को बस यही था कि यार उनकी जो पीजी की फ्रेंड्स है वो सोच रही थी कि ये लड़का ऐसे ही है कुछ नहीं करेगा, तो ये अपने फ्रेंड्स के सामने भी दिखाना चाहती थी कि यार शादी करना चाहती थी, तो वो चीज नहीं हो पा, बट लेकिन उन्होंने ऑफिस के अंदर ये सारा कुछ कर लिया जो कि काफी ज्यादा बेस्ट था और कहीं ना कहीं इमोशनल कर देता है। तो इसको मैं अभी तक तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं, मूवी काफी इंटेंस लेवल पे जाती रहेगी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। एंड मेरे को पता कि आप सब रोलेक्स सीन के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहे हो, इवन मैं भी कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता रोलेक्स में है क्या ऐसा, बट लेकिन यार मैं सीधा डायरेक्ट रोलेक्स सीन को सर्च करूं वहां पे चले जाऊं, तो यार वो चीज मेरे को ना मूवी का मजा नहीं देगी, पूरा मूवी को कंटिन्यू करेंगे बेशक आराम आराम से आए कोई बात नहीं। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर देना, ऑल द विक्रम मूवी फैंस हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।